हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल एई में पूछे हुए क्वेश्चंस को, जिसका एग्जाम हुआ था 2019 में। ओके, और ये जो इस सीरीज का पार्ट होगा, ये होगा पार्ट थ्री। दिस इज पार्ट थ्री। इससे पहले दो पार्ट आ चुका है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक डिस्कस किया है। इस पार्ट में, पार्ट नंबर थ्री में, क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 61। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q1 व्हिच इज इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम ड्यू टू चार्ज Q2 व्हिच इज इक्वल टू -300 माइक्रो कूलम वेयर Q1 is at 012 meter और Q2 कहाँ पर है, 200 meter पर है। ओके, तो यहाँ पर हमें चार्ज Q1 पर फोर्स फाइंड आउट करना है ड्यू टू चार्ज Q2। देखिए, सपोज दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। चार्ज Q1 हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैल्यू कितनी है, 20 माइक्रो कूलम, और जो चार्ज Q2 है उसकी वैल्यू है -300 माइक्रो कूलम। एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, इट मींस यहां पर लगने वाला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। जो चार्ज हमारा Q1 है, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ड्यू टू चार्ज Q2। तो जो हमारा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ये जो फोर्स होगा, दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन, और इन दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर होगा, यानी कि जो डिस्टेंस होगा इन दोनों का, वो होगा R। R का मैग्नीट्यूड इसका क्यूब करेंगे इनटू पोजीशन वेक्टर R। ये है हमारा कूलम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ओके, वेक्टर फॉर्म में ये हमारा कूलम्स लॉ है। यहां पर जो पोजीशन वेक्टर है R, इसको सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए, पोजीशन वेक्टर R को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां पर एक पोजीशन वेक्टर R1 हो जाएगा। R1 हमारा क्या है, यहां पर देखो, ये जो हमारा डिस्टेंस गिवन है, ये जो पॉइंट गिवन है, ये क्या है, 012। 012 मींस व्हाट, जो हमारा एक्स एक्सिस है उसमें 0 डिस्टेंस, y एक्सिस में 1 डिस्टेंस, z एक्सिस में 2 डिस्टेंस, यानी कि इस पोजीशन वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ay और प्लस 2az। ओके, यहां पर ax यहां पर 0 है, क्योंकि x एक्सिस में जो डिस्टेंस है वह है 0। x एक्सिस में डिस्टेंस 0 है, y एक्सिस में डिस्टेंस 1 है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है 1 into ay। z एक्सिस में डिस्टेंस है 2, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है 2az, राइट। ये हो गया पोजीशन वेक्टर 1। दूसरा पॉइंट देखो, 200। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा R2, ये क्या हो जाएगा, इसमें x एक्सिस में 2 डिस्टेंस है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2ax, राइट। ये हो जाएगा, इसमें y एक्सिस में 0 डिस्टेंस है, z एक्सिस में 0 डिस्टेंस है, यानी कि ay और az का जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 0, राइट। ये दोनों है पोजीशन वेक्टर। तो फाइनली हमें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो यहां से जो डिस्टेंस होगा r, पोजीशन वेक्टर जो हमारा r होगा, ये क्या हो जाएगा, ये होगा r1 - r2, राइट। r1 - r2 कैसे लिखेंगे हम, ये हो जाएगा -2ax और प्लस हो जाएगा ay प्लस हो जाएगा 2az। ये हो जाएगा, ओके, दिस इज पोजीशन वेक्टर r। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ जो x में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। ये इट मींस यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ r, जो हमारा डिस्टेंस है, वो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3। ओके,
फोर प्लस फोर एट, एट प्लस वन नाइन, नाइन का रूट हो जाएगा थ्री। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के को आप यहाँ पर ले लो 9 × 10⁻¹। ओके, इन केस ऑफ एयर, फ्री स्पेस और फिर वैक्यूम, इन तीनों ही केस के लिए के की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻¹। उसके बाद जो हमारा Q1 है, Q2 है, यहाँ पर ध्यान देना Q1 और Q2 को उसके साइन के साथ लिखना है, क्योंकि जब हम वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लिखते हैं, ये फोर्स हमारा एक वेक्टर है, जब हम वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लिखते हैं तो वहाँ पर जो भी चार्जेस के साइन होते हैं उसको भी कंसिडर करते हैं। यानी कि जो चार्ज हमारा Q1 है वो पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पॉजिटिव 20 × 10⁻¹। चार्ज Q2 नेगेटिव है तो मैं यहाँ पर माइनस साइन दूंगा 300 × 10⁻¹। के Q1 Q2 हो गया डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R का क्यूब। R हमने फाइंड आउट किया था 3, 3 का क्यूब ये हो जाएगा कितना, दिस इज 27। ओके, इनटू हो जाएगा R वेक्टर, राइट। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 टाइम्स कैंसल आउट होगा, उसके बाद यहां से ये हो जाएगा कितना, 3 को इसके साथ कैंसल आउट करो, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 100। ओके, फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको मैं लिखूंगा माइनस 2 इंटू 10³ हो जाएगा, इंटू 10⁹ हो जाएगा, इंटू 10⁻¹ हो जाएगा। हाँ, दिस इंटू व्हाट, इंटू वेक्टर आर, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा ना, जितने भी पावर्स वाले टर्म है वो सब कैंसल आउट हो जाएंगे, 10⁻±12 इंटू 10⁻², ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा माइनस 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस टू इंटू उसके बाद वेक्टर आर, ये क्या है, माइनस टू ए एक्स कैप और प्लस हो जाएगा ए वाई कैप और प्लस हो जाएगा 2 ए जेड कैप। ये इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ए एक्स कैप माइनस 2 ए वाई कैप और माइनस हो जाएगा 4 ए जेड कैप। ये अब आप ऑप्शंस को देख लीजिए, ऑप्शन लास्ट ऑप्शन देखिए, आप यहाँ पर है 6/3, लास्ट ऑप्शन में 6/3 है, 3 से आप इसको कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 2, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे कैसे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 4 ए एक्स कैप माइनस हो जाएगा 2 ए वाई कैप और माइनस हो जाएगा 2 ए जेड कैप। हाउ इट इज पॉसिबल, आई थिंक इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है। ओके, कुछ मिसप्रिंट हुआ है इस क्वेश्चन में, यहां पर 2 होना चाहिए, माइनस 2 ए जेड यहां पर होना चाहिए। ओके, तो आप इसको एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, लास्ट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। इसमें एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन क्या है, माइनस 1 से लेकर 1 तक 3t² + 1 डेल टी डी टी। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन है 3t² + 1, दूसरा फंक्शन है एक इम्पल्स फंक्शन डेल टी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। देखो एक फंक्शन है, इसको मैं बोल देता हूं दिस इज xt, xt फंक्शन है, xt वर्सेस t, xt हमने किसको मान लिया है, यह है 3t² + 1, ये फंक्शन है, इसको मैंने मान लिया दिस इज xt, xt फंक्शन है। सपोज जो इसका ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, कुछ भी होगा, राइट, ये फंक्शन हमारा ऐसा है। उसके बाद क्या करना है, इसको हमने डेल्टी से मल्टीप्लाई करना है। डेल्टी फंक्शन कैसा है, देखो दिस इज डेल्टी वर्सेस टी, डेल्टी हमारा फंक्शन कैसा होगा, ये डेल्टी हमारा यहां पर है,
ओके, इसका एरिया होगा 1। और t इज इक्वल टू 0 पर डेल्टी मौजूद है, लेकिन t इज इक्वल टू 0 से पहले इसकी वैल्यू होगी 0, t इज इक्वल टू 0 के बाद इसकी वैल्यू होगी 0। तो जब t नॉट इक्वल टू 0 हो, वैसे केस में डेल्टी की वैल्यू है 0। तो जब हम इस डेल्टी को इस xt में मल्टीप्लाई करेंगे, जब t नॉट इक्वल टू 0 होगा तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी होगा 0, यानी कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, जिस पॉइंट पर हमारा इंपल्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी कि एट t इज इक्वल टू 0 पर। t इज इक्वल टू 0 पर ही दोनों ही फंक्शन का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा t इज इक्वल टू 0 पर, वो मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, वो भी एक इंपल्स फंक्शन होगा, है ना। एक xt में यदि हमने डेल्टी को मल्टीप्लाई किया है तो उसका मल्टीप्लीकेशन भी हमारा डेल्टी के फॉर्म में ही होगा, और कहां पर होगा, t इज इक्वल टू 0 पर। तो जब इसका मल्टीप्लीकेशन t इज इक्वल टू 0 पर होगा तो क्या करेंगे, जो हमारा xt है इसमें भी t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कैसा होगा, 3t स्क्वायर, t की जगह पर 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर प्लस 1 दिस फंक्शन डेल्टी, ये हो जाएगा हमारा फंक्शन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इट मींस यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू डेल्टी, राइट। यहां पर देखो 3 0 स्क्वायर ना, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 इंटू डेल्टी, ये हो जाएगा डेल्टी। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें मिला है डेल्टी। अब डेल्टी को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इन दोनों फंक्शन, ये दोनों जो फंक्शन था इसका मल्टीप्लीकेशन हमें मिला है क्या, इसका मल्टीप्लीकेशन मिला है डेल्टी, और डेल्टी का हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 डेल्टी डीटी। डेल्टी का इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि डेल्टी का हमें फाइंड आउट करना है एरिया, एरिया कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। तो दिस इज डेल्टी, डेल्टी वर्सेस टी, यदि मैं इसको यहां पर ड्रॉ करूं तो डेल्टी हमारा ऐसा होगा, दिस इज डेल्टी टी इज इक्वल टू 0 पर, और ये डेल्टी है तो इसका एरिया कितना होगा, 1 होगा। यहां पर ये पॉइंट है टी इज इक्वल टू -1, ये पॉइंट है टी इज इक्वल टू +1। सो -1 से लेकर +1 तक आप देखोगे एरिया कितना है, एरिया देखो, एरिया है 1, दिस इज 1, ओके। सो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा, राइट। सो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, अ थायरिस्टर इज कनेक्टेड टू सप्लाई विथ लोड, एनोड इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द जंक्शंस इफ द गेट करंट इज 0। एक थायरिस्टर है जिसको, एक थायरिस्टर है, यहां पर देखो एक थायरिस्टर है, दिस इज अ थायरिस्टर, और इसको एक लोड से कनेक्ट किया गया है, एक लोड से हमने इसको कनेक्ट किया है, दिस इज लोड, और एक सप्लाई इसके साथ हमने कनेक्ट किया है, वन सप्लाई इज कनेक्टेड हियर, दिस इज सप्लाई, ओके। अब इसमें कहा है कि एनोड इज पॉजिटिव, दिस एनोड इज पॉजिटिव, एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, सो दिस इज कैथोड, कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड हमारा पॉजिटिव है। इट मींस जो हमारा थायरिस्टर होगा वो क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस में होगा, थायरिस्टर हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द जंक्शन इफ द गेट करंट इज 0, यदि हमने इसमें गेट करंट प्रोवाइड नहीं किया तो वैसे केस में क्या होगा, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा, राइट। जो हमारा थायरिस्टर होगा वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा, और इसके जो 3 जंक्शंस होते हैं, मैं इसको अगर यहां पर दिखाऊं आपको, तो दिस इज जंक्शन J1, जंक्शन J2, दिस इज जंक्शन J3। ये जो 3 जंक्शंस होंगे, ये है कैथोड और ये है एनोड। तो जंक्शन J1 और J3 ये दोनों हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस्ड,
और जो जंक्शन जे टू है वो हो जाएगा रिवर्स बाइस्ड, जंक्शन जे टू हमारा होगा रिवर्स बाइस्ड। तो आप ऑप्शंस को देख लीजिए, ऑल द जंक्शंस आर फॉरवर्ड बाइस, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑल द जंक्शंस आर रिवर्स बाइस, स्टेटमेंट रॉन्ग। उसके बाद ऑप्शन सी में गिवन है पीएन जंक्शंस नियर टू द एनोड एंड कैथोड आर रिवर्स बाइस्ड, ये भी इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन में है पीएन जंक्शन नियर टू द एनोड एंड कैथोड आर फॉरवर्ड बाइस एंड द मिडिल जंक्शन इज रिवर्स बाइस। यस, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या गिवन है, अ डीसी जनरेटर डिलीवर्स 30 एम्पीयर एट 120 वोल्ट। 30 एम्पीयर डिलीवर करता है 120 वोल्ट पर एंड इट इज ड्रिवन बाय मैकेनिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 4000 जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 4000 जूल एनर्जी ये लेता है एज अ इनपुट, जो हमारा जनरेटर है उसका इनपुट गिवन है 1 सेकेंड में 4000 जूल एनर्जी वो लेता है, इनपुट करता है। डिटरमिन द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर। सो जनरेटर के केस में जो इसका इनपुट है, इनपुट यहां पर पावर के फॉर्म में नहीं है, एनर्जी के फॉर्म में, तो एनर्जी इनपुट कितना है 4000 जूल पर सेकेंड। इट मींस 1 सेकेंड में 4000 जूल एनर्जी वो इनटेक करता है और ये आउटपुट कितना दे रहा है, आउटपुट भी हमें देखना है एनर्जी के फॉर्म में। सो इसका जो एनर्जी आउटपुट होगा, पहले इसका हम आउटपुट देख लेते हैं, इसका पावर आउटपुट कितना होगा, ये आउटपुट कितना होगा, 120 वोल्ट पर डिलीवर करता है 30 एम्पीयर। सो 120 इंटू 30 ये कितना हो जाएगा 3600 वॉट, इतने वॉट का पावर वो डिलीवर करता है। तो जब इतने वॉट का पावर डिलीवर करता है, पावर को यदि हम टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमें एनर्जी मिल जाएगा, तो एनर्जी आउटपुट ये कितना हो जाएगा, एनर्जी आउटपुट हो जाएगा पावर इनटू टाइम। यहाँ पर पावर है 3600 वॉट और टाइम यहाँ पर हम लेते हैं 1 सेकेंड, राइट। 1 सेकेंड हम क्यों लेंगे, क्योंकि जो हमें इनपुट दिया गया है वो 1 सेकेंड में दिया गया है कि 1 सेकेंड में हम उसको 4000 जूल इनपुट देते हैं उस जनरेटर को, तो 1 सेकेंड में हमें आउटपुट कितना मिलेगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसलिए हमने टाइम के लिए मल्टीप्लाई किया है 1 सेकेंड। सो यहाँ पर वॉट इनटू सेकेंड ये हो जाएगा जूल, इट मींस 3600 जूल, ये हो गया इसका आउटपुट। तो इनपुट एनर्जी आपको पता है, आउटपुट एनर्जी आपको पता है, यहां से आप एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एफिशिएंसी हो जाएगा एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट, इट मींस 3600 डिवाइडेड बाय 4000। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना परसेंट हो जाएगा, यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 40 ये कितना हो जाएगा 0.9, यानी कि 90%। एफिशिएंसी कितनी आ गई 90%। ओके, ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन में देखिए 90% गिवन है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट एलॉय, इनमें से कौन सा परमानेंट मैग्नेट एलॉय नहीं है, तो सिलिकॉन आयरन इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट एलॉय, राइट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर माइनस ए टी यू टी इज व्हाट, वेयर यू टी इज यूनिट स्टेप फंक्शन। ut हमारा है यूनिट स्टेप फंक्शन, इसका लैपलेस क्या होगा, इसका लैपलेस होगा 1/s। अब ut में हमें मल्टीप्लाई करना है e रेज टू द पावर माइनस ए टी, तो यहां पर आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे टाइम में मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी। इसमें यदि हम e रेज टू द पावर माइनस ए टी को मल्टीप्लाई करें तो इसका जो लैपलेस होगा
वन अपॉन एस जो पहले से था, अब एस को हम रिप्लेस करेंगे एस प्लस ए से, एस को हम रिप्लेस करेंगे एस प्लस ए से, तो इसका लैपलेस क्या हो गया, वन अपॉन एस प्लस ए। ऑप्शन देख लीजिए, वन अपॉन एस प्लस ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67, इसमें क्या कहता है, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज CT is equal to 2 into 1 minus e raised to the power minus 4t, where t is greater than 0. Determine the impulse response of the same system. Same system का impulse response आपको find out करना है. Same system का impulse response आपको find out करना है. देखिए, step response आपको given है. स्टेप रिस्पॉन्स मीन्स वॉट, जो सी टी गिवन है, स्टेप रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मीन्स आउटपुट, स्टेप रिस्पॉन्स मीन्स सिस्टम का आउटपुट व्हेन इनपुट इज स्टेप। स्टेप रिस्पॉन्स मीन्स कि सिस्टम का आउटपुट जब इनपुट के रूप में हम देते हैं स्टेप फंक्शन को, ये हो जाएगा स्टेप रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स मीन्स आउटपुट, किसी भी सिस्टम का आउटपुट जब उसमें हम इनपुट के रूप में देते हैं इंपल्स फंक्शन, तो उसका जो आउटपुट होगा वो कहलाएगा इंपल्स रिस्पॉन्स, राइट। तो ये जो हमारा आउटपुट है 2 इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 40, इसको हम लिखेंगे 2 माइनस 2 ई रेज टू द पावर माइनस 40, राइट। इसका लैपलेस कितना हो जाएगा, सी एस, 2 अपॉन एस माइनस 2 अपॉन एस प्लस 4। एलसीएम ले लेते हैं, एस इंटू एस प्लस 4, यहां पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एस प्लस 4 माइनस 2 इंटू एस, सो सी एस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 एस प्लस 8 माइनस हो जाएगा 2 एस डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 4। यहां से 2 एस और 2 एस हो जाएगा कैंसल आउट, इट मीन्स जो सी एस है दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन एस इंटू एस प्लस 4, ये दिस इज सी एस आउटपुट है। ये आउटपुट कब है, जब हमने इनपुट के रूप में दिया है स्टेप फंक्शन, राइट। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, जो सिस्टम होगा इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट इन एस डोमेन डिवाइडेड बाई इनपुट इन एस डोमेन। S डोमेन में जो आउटपुट है वो कितना है, 8 अपॉन S इनटू S प्लस 4। इनपुट RS, RS कितना होगा, RS कितना होगा, इनपुट हमने दिया है स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन को हमने एज ए इनपुट प्रोवाइड किया है, तो स्टेप फंक्शन का जो लैपलेस में होगा RS वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन S हो जाएगा, राइट। तो RS हो जाएगा 1 अपॉन S, यहां पर करेंगे 1 अपॉन S, यहां से s और s हो जाएगा कैंसल आउट, इट मींस जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा 8 अपॉन s प्लस 4, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है इंपल्स रिस्पॉन्स। इंपल्स रिस्पॉन्स मींस जब इनपुट हमने दिया है इंपल्स फंक्शन, नाउ आर टी इज वॉट, डेल टी, now RT is equal to del t, impulse function के रूप में हमने input दे दिया है, तो RS कितना होगा, R ये del t का Laplace कितना हो जाएगा 1, तो अब हमने input दिया है 1, right, input हमने दिया है 1, तो output यहां से कितना हो जाएगा, जो output होगा CS, CS हमारा कितना हो जाएगा, CS हो जाएगा what, CS हो जाएगा transfer function into RS, transfer function into what, RS, transfer function है 8 upon S plus 1, RS है 1, दोनों को multiply करेंगे, तो यहां से हमें CS मिल जाएगा, CS is what, जो हमारा output है वो है 8 upon S plus 4, ये हो जाएगा, this is output, output in S domain हमें पता है, अब हमें इसको सिर्फ और सिर्फ time domain में convert करना है, तो output हमें क्या मिला है, CS हमें मिला है 8 अपॉन
एस प्लस फोर, इसका लैपलेस इनवर्स ले लो, आपको सी टी मिल जाएगा। सी टी इज इक्वल टू वॉट, 8 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 40 हो जाएगा। तो 8 ई रेज टू द पावर माइनस 40, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें क्या कहा है, डिटरमिन द पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन फॉर ट्रांसफर फंक्शन जी एस इज इक्वल टू 32 अपॉन एस इंटू एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 8। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। जो फंक्शन गिवन है जी एस, दिस इज इक्वल टू 32 अपॉन एस इंटू एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 8, ये है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। एक डिनोमिनेटर होगा s, दूसरा हो जाएगा s प्लस 4, तीसरा हो जाएगा s प्लस 8। जो s है इसका रेसिड्यू कितना होगा, यानी कि इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, जो इसका न्यूमरेटर होगा वो कितना होगा, s वाले टर्म को छोड़कर रिमेनिंग सारे टर्म में s इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 इंटू 8 यानी कि 32, और न्यूमरेटर में है 32, सो 32 बाय 32 यानी कि ये हो जाएगा 1। ओके, एस प्लस 4 का जो न्यूमरेटर होगा वो कितना होगा, एस इज इक्वल टू माइनस 4 हमें पुट करना है। तो माइनस 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय एस इज इक्वल टू माइनस 4 पुट कर रहे हैं, और दूसरे एस इज इक्वल टू माइनस 4 पुट करेंगे तो 8 माइनस 4 ये हो जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा माइनस ऑफ 16, तो ये हो जाएगा माइनस 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2। उसके बाद जो हमारा s प्लस 8 है, इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, s इज इक्वल टू माइनस 8 पुट करेंगे। देखो s इज इक्वल टू माइनस 8 जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय s इज इक्वल टू माइनस 8, उसके बाद 4 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 32 ना, माइनस 4 इंटू माइनस 8, ये हो जाएगा कितना, 1, राइट। तो इसका इसका जो न्यूमरेटर होगा ये भी होगा 1, देख लो ये पॉजिटिव 1 है। तो यहां से जो इसका पार्शियल फ्रैक्शन आया वो कितना आएगा, 1 अपॉन s माइनस 2 अपॉन s प्लस 4, कौन सा ऑप्शन होगा, माइनस 2 अपॉन s प्लस 4, d, d ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये इन इंडक्शन टाइप वोल्टमीटर एंड आमीटर द इंस्टेंटेनियस टॉर्क टी इज, जो हमारा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाइ वन इंटू आई टू, जो फ्लक्स फाइ वन है और जो हमारा एडी करंट आई टू है उसका उसका प्रोडक्ट। एक टॉर्क ये होगा, दूसरा टॉर्क क्या होगा, दूसरा टॉर्क होगा फाइ टू इंटू आई वन, ये दूसरा टॉर्क होगा, और ये दोनों टॉर्क हमारे एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो यहाँ पर मैं यूज करूँगा माइनस साइन, क्योंकि जो नेट टॉर्क होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाइ वन आई टू माइनस फाइ टू आई वन। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रोटेक्ट द थायरिस्टर फ्रॉम हाई डी आई अपॉन डी टी डैश इज यूज इन डैश विद द थायरिस्टर, डी आई अपॉन डी टी से प्रोटेक्ट करने के लिए थायरिस्टर में हम क्या यूज करते हैं, हाई डी आई अपॉन डी टी से प्रोटेक्ट करने के लिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जब हाई हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, फॉल्स टर्न ऑन, थायरिस्टर का होता है फॉल्स टर्न ऑन। तो जब थायरिस्टर का फॉल्स टर्न ऑन हो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए थायरिस्टर को हम यहां पर इंडक्टर यूज करते हैं सीरीज विद द थायरिस्टर, राइट।
यहां पर यूज करेंगे इंडक्टर इन सीरीज विथ द थायरिस्टर। ओके, इंडक्टर एंड सीरीज, ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ वॉट मीटर इज वॉट। वॉट मीटर का जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो क्या होता है? यहां पर जो वॉट मीटर है उसका जो टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वीपी होगा, जो हमारा पोटेंशियल क्वाइल होगा, वॉट मीटर का जो पोटेंशियल क्वाइल है उसके क्रॉस का वोल्टेज, इन टू आई सी जो करंट क्वाइल है उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट। पोटेंशियल क्वाइल के क्रॉस का वोल्टेज, करंट क्वाइल के थ्रू फ्लो होने वाला करंट, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें टॉर्क। बी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है। वेयर वीपी इज द वोल्टेज ऑफ मूविंग क्वाइल। यस, ये जो हमारा मूविंग क्वाइल है यही तो हमारा कहलाता है पोटेंशियल क्वाइल, पोटेंशियल क्वाइल। और जो फिक्स्ड क्वाइल होता है ये कहलाता है करंट क्वाइल। तो जो करंट क्वाइल के थ्रू करंट फ्लो करेगा वो करंट होगा आईसी, और जो पोटेंशियल क्वाइल के क्रॉस का वोल्टेज होगा वो होगा वीपी। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, राइट? लास्ट ऑप्शन को देख लीजिए, आईसी द करंट थ्रू मूविंग क्वाइल, नहीं ये हमारा रॉन्ग है, और वीपी द वोल्टेज ऑफ फिक्स्ड क्वाइल, ये रॉन्ग है। ओके, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज जी एस इज इक्वल टू 100 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 20s प्लस 100 एंड द सिस्टम इज क्लासिफाइड एट विच ऑफ द फॉलोइंग, अनडैम्प्ड सिस्टम, ओवरडैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, अंडरडैम्प्ड सिस्टम। इट मींस आपको ये फाइंड आउट करना है कि जीटा की वैल्यू 0 है या फिर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, या फिर जीटा की वैल्यू 1 है, या फिर जीटा की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब 0 और 1 के बीच में है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो जी एस हमारे पास गिवन है 100 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 20s प्लस 100, इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसका, वो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा इसको आप ऐसे लिखो, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, इसके साथ जब आप कंपेयर करोगे तब आपको पता चलेगा कि ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, इसलिए आप यहां पर लिखोगे कि ओमेगा एन विल बी इक्वल टू 10 हो जाएगा, राइट? उसके बाद जो एस का कोफिशिएंट है, एस का कोफिशिएंट ये है 20 और इसमें एस का कोफिशिएंट है 2 जीटा ओमेगा एन। सो यहां से आप लिखिएगा 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 20, सो यहां से जीटा इज इक्वल टू लिखिएगा 20 अपॉन 2 इंटू ओमेगा एन, और ओमेगा एन अभी हमने फाइंड आउट किया था क्या, ओमेगा एन इज इक्वल टू 10, सो यहां से जीटा की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन 2 इंटू 10, इट मींस जीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। डैम्पिंग रेशियो आपको मिल गया है 1, इट मींस ये जो हमारा सिस्टम होगा वो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश आर दोज सिग्नल्स हुज वैल्यूज आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड फॉर एनी गिवन टाइम, फॉर एनी गिवन टाइम ना, तो ये जो सिस्टम होगा डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम होगा, ये जो सिग्नल है डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होगा, राइट? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट
टोटल फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज विद इन द सरफेस, ये हो जाएगा गॉस लॉ, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट किसका है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट है ये। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर स्टेशन हैज द लीस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम हो वो पावर स्टेशन होता है हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पर जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल का जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन के बारे में ही आपसे पूछा गया कि पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है। 1 वोल्ट जो हमारा पोटेंशियल का डेफिनेशन होगा, ये होगा वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर 1 कूलम के चार्ज को लाने में जितना फोर्स अप्लाई, जितना वर्क डन किया जाएगा, वही वर्क डन हमारा कहलाएगा 1 वोल्ट। ओके, सो दिस डिवाइडेड बाय चार्ज, और चार्ज कितना है, 1 कूलम का चार्ज है, राइट। तो यहां पर 1 वोल्ट को हम क्या लिखेंगे, वर्क डन 1 जूल डिवाइडेड बाय कूलम, राइट, जूल पर कूलम, जूल हो जाएगा किसका, वर्क डन यूनिट, ये हो जाएगा चार्ज का यूनिट। सो 1 जूल पर कूलम, ये हो जाएगा 1 वोल्ट। ओके, ऑप्शन कौन सा सही होगा, लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। इन अ क्लिपर सर्किट डीसी सोर्स इज सेट टू 0 वोल्ट, देन सर्किट एक्ट्स लाइक अ व्हाट। एक है क्लिपर सर्किट, तो सबसे पहले मैं यहां पर क्लिपर सर्किट को ड्रॉ कर देता हूं। यदि मैं पॉजिटिव क्लिपर की बात करूं, पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा, यहां पर होगा एक डायोड लाइक दिस, और यहां पर है एक रेसिस्टर, यहां पर होगा एक डीसी वोल्टेज सोर्स, इसको मैं बोल देता हूं रेफरेंस वोल्टेज VR, ओके, कनेक्टेड लाइक दिस। यहां पर अप्लाई करेंगे इनपुट, सो वी इनपुट, और यहां हमें मिलेगा आउटपुट, दिस इज वी आउट, ओके। तो ये है हमारा एक पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। यदि मैं नेगेटिव क्लिपर सर्किट की बात करूं, नेगेटिव क्लिपर सर्किट, तो ये क्या हो जाएगा, जो डायोड है उसको हम रिवर्स कर देंगे, रेफरेंस वोल्टेज इज VR, आउटपुट है यहां पर V0, यहां अप्लाई किया गया है इनपुट V input, ओके। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है ना, कि जो हमारा क्लिपर सर्किट है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, इस क्लिपर सर्किट में जो डीसी सोर्स है उसको यदि आप 0 वोल्टेज कर दो, जो डीसी सोर्स है यानी कि जो VR है, रेफरेंस वोल्टेज है, यहां पर रेफरेंस वोल्टेज की बात की जा रही है, रेफरेंस वोल्टेज जो ये VR है, VR को यदि आप 0 पुट कर दोगे, इसमें देखो VR को यदि आप 0 पुट कर दोगे, तब आपका सर्किट कैसा दिखेगा, सर्किट आपका ऐसा दिखेगा, है ना, ये this is output and this is input, ये सर्किट क्या है, this circuit is half wave rectifier, okay, this is half wave rectifier, तो rectifier circuit है ये, rectifier circuit, option कौन सा सही होगा, last option देखिए, last option D में given है rectifier, so D option will be the correct answer for this question।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमिन द लोड फैक्टर फॉर द फॉलोइंग लोड कर्व। इसका लोड फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, लोड फैक्टर। सो यहां पर क्या करना होगा, लोड फैक्टर विल बी इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। और एवरेज लोड को कैसे फाइंड आउट करोगे, एवरेज लोड हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम कर देना है। राइट, देखो फर्स्ट फोर आवर्स में जो हमारा लोड था वो था 5 मेगावाट। 5 मेगावाट का लोड था 4 आवर्स के लिए, तो 5 × 4 एनर्जी हो गई मेगावाट आवर। राइट, उसके बाद नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए ये लोड था 15 मेगावाट का। सो 15 कितने आवर्स के लिए, 4 आवर्स के लिए, प्लस नेक्स्ट 8 आवर्स के लिए ये 20 मेगावाट का था, 20 × 8 प्लस नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए 5 मेगावाट, 5 × 4 ये हो गया टोटल एनर्जी। इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से और टोटल टाइम है 24 आवर्स। तो यहां से ये हमें मिल जाएगा एवरेज लोड। कैलकुलेट कर लो एक बार, 20 + 60 + 160 + 20 यानी कि 260। एवरेज लोड हो जाएगा 260 / 24, 10.833। दिस इज 10.833 मेगावाट। ये हो गया एवरेज लोड। इसको हम डिवाइड करेंगे मैक्सिमम डिमांड से, तो हमें यहां पर लोड फैक्टर मिल जाएगा। सो लोड फैक्टर LF, दिस इज इक्वल टू एवरेज लोड 10.833 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड कितना है, 20 मेगावाट। सो दिस इज डिवाइडेड बाय 20, ये हो जाएगा 0.54। दिस इज इक्वल टू 0.54, ये हो जाएगा लोड फैक्टर। ओके, तो यहां पर क्या करना है, 0.54 ना, ऑप्शन देख लीजिए, 0.58 गिवन है, 0.58 गिवन है। वेट अ सेकंड, ये कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, 5 × 4 ठीक है, 15 × 4 20 मेगावाट का लोड 8 आवर्स के लिए, राइट, 5 मेगावाट का लोड 4 आवर्स के लिए, नो 8 आवर्स के लिए ना, यहाँ पर ये 4 नहीं होगा ना, यहाँ देखो 16 आवर्स से लेकर 24 आवर्स तक है, 8 आवर्स होगा ना यहाँ पर, 5 × 8 ये कितना हो जाएगा, 40 ऐड करना है, हमने ऐड किया था 20, तो 280 हो जाएगा, आई थिंक 280 डिवाइडेड बाय 24 होगा 11.66। देखो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 24, ये हो जाएगा कितना, 11.666। राइट, सो 11.666 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे, ये हो जाएगा 0.583। ओके, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 79। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, पेन स्टॉक्स आर यूज इन विच पावर स्टेशन, किस पावर स्टेशन में हम लोग पेन स्टॉक को यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा, हाइड्रो पावर प्लांट में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में हम यूज करते हैं पेन स्टॉक को, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द टॉर्क इन इंडक्शन टाइप आमीटर, देखो इंडक्शन टाइप आमीटर है, आमीटर में जो टॉर्क होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक तो ओमेगा और जो मीटर करंट होगा उसके स्क्वायर का, राइट। सो ओमेगा आई एम स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ जनरेटिंग स्टेशन प्रोड्यूसेस 61.5 मेगा यूनिट्स पर एनम, इट इज कनेक्टेड टू अ लोड ऑफ 50 मेगावाट एंड इट्स मैक्सिमम डिमांड ऑफ 20 मेगावाट, डिटरमिन द डिमांड फैक्टर ऑफ द स्टेशन। डिमांड फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है, सिंपल है, डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला लिख देते हैं। डिमांड फैक्टर ये हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल कनेक्टेड लोड, टोटल कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड कितना है? देखो मैक्सिमम डिमांड ऑफ 20 मेगावाट, तो ये हो जाएगा 20 मेगावाट, और टोटल लोड कितना है? इट इज कनेक्टेड टू अ लोड ऑफ 50 मेगावाट, सो टोटल लोड इज 50 मेगावाट। 20 बाय 50 ये हो जाएगा 2 बाय 5, 2 बाय 5 मीन्स व्हाट? 0.4 ना। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। इसमें क्या कहा है? फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई सो दैट -3 प्लस जे एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जे 4 मे रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स। ये जो नंबर है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो यदि मैं यहां पर एक नंबर ऐसा लूं कि Z1 इज इक्वल टू, या फिर यहां पर 1 मत लिखो, ऐसे लिखो Z इज इक्वल टू ए प्लस जे बी, अगर ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि जेड का कॉन्जुगेट, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए माइनस जे बी हो जाएगा। जहां पर प्लस जे है सिर्फ और सिर्फ उसको करना है माइनस जे में कन्वर्ट, अगर माइनस जे होता तो उसको हम करते प्लस जे में कन्वर्ट। ओके, ये हो जाएगा, ये दोनों जो नंबर है एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाते हैं। अब जो हमें नंबर दिया गया है वो क्या है? एक नंबर है -3 प्लस जे एक्स स्क्वायर वाई, और दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जे 4। यहां पर क्या करना है? जो रियल पार्ट है इसमें देखो, जो रियल पार्ट है ये इक्वल है, रियल पार्ट देख लो ए, और इसका रियल पार्ट ए, बोथ आर सेम, यानी कि इसका जो रियल पार्ट है -3 और इसका जो रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये दोनों सेम होंगे। तो यहां से एक इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू -3। उसके बाद देखो यहां पर यदि मैं बी बोलूं, जो जे है, जे का कॉफिशियंट है यहां पर प्लस बी, और यहां पर जे का कॉफिशियंट है माइनस बी, तो एक में जे का कॉफिशियंट है प्लस बी, एक में जे का कॉफिशियंट है माइनस बी, तो यहां पर j का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर वाई, तो जो हमारा एक्स स्क्वायर वाई होगा, और यहां पर j का कोएफिशिएंट है 4, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? दिस इज इक्वल टू -4, है ना, एक का प्लस बी है और दूसरे का क्या है? माइनस बी है, राइट। सो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू -4। दूसरा इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू -4। यहां पर आप क्या पुट करोगे x और y की वैल्यू, सो दैट ये दोनों इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई करें, राइट। इन दोनों को जब आप सॉल्व कर लोगे तो यहां से समझ में आएगा कि y की वैल्यू होनी चाहिए -4, और जब y की वैल्यू -4 होनी चाहिए तो जो हमारा x स्क्वायर होगा ये होना चाहिए 1। सो y इज इक्वल टू -4 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा तो x की कितनी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी? x हमारा हो जाएगा √1। यहां पर ऐसे डायरेक्ट मत लिखना कि x square is equal to 1, so x is equal to 1, नहीं, this is wrong, right? x square is equal to 1, so x is equal to √1, और √1 की जो वैल्यू होती है ये प्लस माइनस दोनों में होता है, प्लस माइनस 1 होता है, ये सिर्फ 1 नहीं होता। x square is equal to 1,
इट मींस x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी कि x की वैल्यू प्लस वन भी हो सकती है माइनस वन भी हो सकती है, सिर्फ प्लस वन लिखना यहाँ पर रॉन्ग होगा। सो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, लास्ट ऑप्शन देखिए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, y इज इक्वल टू माइनस फोर, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, रीड करिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए सही नहीं है। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट, दे हैव वेरी स्मॉल ओपन स्केल थीटा, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, सो ऑप्शन ए को आप मार्क कर लो, दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, इसमें क्या कहा है, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स अ वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू 5 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा ए आर प्लस आर कॉट थीटा ए थीटा प्लस आर साइन थीटा कॉस फाइ ए फाइ, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, ए का डाइवर्जेंस आपको फाइंड आउट करना है। सो देखो ए वेक्टर को सबसे पहले आप ऐसे लिख लो, जो हमारा ए वेक्टर है उसको आप ऐसे लिखो कि ए आर इंटू वॉट ए आर, ए आर कैप, और प्लस इसको आप लिखो ए थीटा इंटू ए थीटा कैप, और प्लस इसको आप लिख लो ए फाइ इंटू ए फाइ कैप, ये हो जाएगा वेक्टर ए। अब वेक्टर ए को यहाँ जो क्वेश्चन में वेक्टर ए गिवन है इसके साथ कंपेयर कर लो, इसके साथ जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से समझ में आएगा कि जो ए आर है ये हो जाएगा 5 अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, राइट। उसके बाद जो वेट ए थीटा ना, यहां पर जो ए थीटा आएगा, ए थीटा की कितनी वैल्यू आ जाएगी, आर इंटू कॉट थीटा, राइट। और जो ए फाई होगा, ए फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ये हो जाएगा ए फाई। अब हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है, डाइवर्जेंस ऑफ ए, सो डाइवर्जेंस ऑफ ए कितना हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए दिस विल बी इक्वल टू होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू करली ए आर, वेट करली आर स्क्वायर ए आर ना, यहां हो जाएगा करली आर स्क्वायर ए आर डिवाइडेड बाय करली आर, यानी कि आर के रिस्पेक्ट में ये है करली, यह है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आर के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है इसका। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा इनटू करली साइन थीटा इनटू ए थीटा, और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में। उसके बाद होगा प्लस यहां पर 1 अपॉन आर साइन थीटा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन किसका होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए फाई का विथ रिस्पेक्ट टू फाई, राइट। यहां पर सिर्फ ए आर, ए थीटा और ए फाई की वैल्यू को पुट करनी है और आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, उसके बाद आर स्क्वायर ए आर, ए आर की वैल्यू आपको पता है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 5 साइन थीटा, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा 5 साइन थीटा का, किसके रिस्पेक्ट में होगा, आर के रिस्पेक्ट में होगा। नेक्स्ट 1 अपॉन आर साइन थीटा,
उसके बाद साइन थीटा इंटू ए थीटा, ए थीटा की वैल्यू कितनी है, ए थीटा है आर कॉट थीटा, तो आर कॉट थीटा को यदि हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट थीटा हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, तो साइन से साइन हमारा कट ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा आर कॉस थीटा। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन होने वाला है किसका, आर कॉस थीटा का विथ रेस्पेक्ट टू क्या थीटा, दिस इज कर ली। नेक्स्ट वन अपॉन आर साइन थीटा, उसके बाद देखो ए फाई, ए फाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है ना, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई, किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में। देखो आप इसके बाद क्या करना है, यहां से देखो फाइव साइन थीटा और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है आर के रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों में आर का कोई भी टर्म नहीं है, ये हो जाएगा कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, यानी कि ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये हो गया जीरो। नेक्स्ट टर्म देखो यहां पर है आर कॉस थीटा और इसमें डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आर यहां पर हो जाएगा कांस्टेंट, आर को हम यहां से बाहर कर लेंगे, डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेंगे, तो ये क्या बचेगा, यहां हो जाएगा आर अपॉन आर साइन थीटा, यानी कि आर और आर यहां से कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पर डिफरेंशिएशन होगा किसका, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, राइट। ये हो गया वन अपॉन साइन थीटा इंटू कर्ली कॉस थीटा अपॉन कर्ली थीटा प्लस। नेक्स्ट टर्म देखो यहां पर डिफरेंशिएशन है फाई के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर जो कॉस फाई है इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसके अलावा जो जो यहां पर टर्म है आर साइन थीटा ये हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये हमारा कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, तो यहां पर आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा वन, तो यहां पर डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका बचेगा, कॉस फाई का, कॉस फाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फाई, राइट। तो यहां पर क्या होगा, देखो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ये हो जाएगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहां पर मैं लिखूंगा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, उसके बाद प्लस कॉस फाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फाई ये हो जाएगा माइनस साइन फाई, राइट। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन माइनस साइन फाई, ओके। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी में गिवन है माइनस वन माइनस साइन फाई, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। इस क्वेश्चन में क्या कहा, एन एम्पियर आर मीटर, एम्पियर आर मीटर मींस व्हाट, एनर्जी मीटर, एम्पियर आर मीटर इज कैलिब्रेटेड एट 200 वोल्ट। देखो जो इस मीटर का कैलिब्रेशन हुआ है वो है 200 वोल्ट का, राइट। तो जब इसका कैलिब्रेशन 200 वोल्ट पर हुआ है तो जो इसकी रीडिंग होगी, रीडिंग, इसकी जो रीडिंग होगी वो 200 वोल्ट के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि जो इसका रीडिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के होगा। सो अब इस क्वेश्चन में कहा है कि द मीटर इज यूज्ड ऑन 230 वोल्ट सर्किट एनर्जी मेजरमेंट एंड इंडिकेट्स ए कंजम्पशन ऑफ 700 यूनिट्स इन अ सर्टेन पीरियड। यहाँ पर सर्टेन पीरियड है, इसका मतलब जो टाइम है वो हमारा कॉन्स्टेंट है, टाइम हमारा फिक्स है, तो एक फिक्स टाइम में ये जो कंज्यूम करता है वो है 700 यूनिट्स, ये इंडिकेट करता है, जो मीटर है, जो एनर्जी मीटर है वो इंडिकेट करता है 700 यूनिट्स, राइट। ये जो इंडिकेट करेगा 700 यूनिट वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो इसकी कैलिब्रेशन हुई है वो है 200 वोल्ट, राइट। 200 वोल्ट के अकॉर्डिंग जो इसका जो इसकी रीडिंग होगी वो होगी 700 यूनिट्स, तो 230 वोल्ट इसका होगा एक्चुअल, है ना, 230 वोल्ट
इस सर्किट में अप्लाई किया गया है, तो एक्चुअल रीडिंग इसकी कितनी होनी चाहिए, एक्चुअल जो एनर्जी इस मीटर के थ्रू जो सप्लाई किया जाएगा वो कितना होगा, वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स यहाँ पर 200 वोल्ट के लिए आप इसको ऐसे लिख लो, फोर 200 वोल्ट जो रीडिंग है वो कितनी है, 700 यूनिट्स। सो 230 वोल्ट के लिए ये हमारी एक्चुअल रीडिंग होगी, रीडिंग कितनी होनी चाहिए, 700 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई विद 230। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 805 यूनिट जो एक्चुअल इसमें कंजम्पशन होगा, एक्चुअल जो एनर्जी सप्लाई किया जा रहा होगा वो होगा 805 यूनिट होगा। ओके, सो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में गिवन है 805, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर क्वेश्चन में क्या कर, A five digit number is formed by digits 0, 1, 2, 3, 4 without repetition. Find the probability that the number formed is divisible by 4. देखो, सबसे पहला काम आपको करना है कि टोटल कितने नंबर्स का फॉर्मेशन होगा यूजिंग दीज नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4। ये जो पांच डिजिट्स हैं इनकी हेल्प से आप टोटल कितने नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं जो कि फाइव डिजिट के नंबर हो, सबसे पहले वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो टोटल फाइव डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो फाइव डिजिट नंबर आपको बनाना है, तो फाइव डिजिट नंबर के लिए आपके पास होने चाहिए फाइव प्लेसेस, ये रहे फाइव प्लेसेस, राइट। तो यहां पर जो ये प्लेस होगा यहां पर आप कौन कौन से नंबर डाल सकते हैं सो दैट जो आपका नंबर होगा वो फाइव डिजिट नंबर का होगा। क्या इस प्लेस पर आप जीरो डाल सकते हैं, अगर आप यहाँ पर जीरो डालते हैं तो ये जो नंबर होगा वो फाइव डिजिट का नहीं रह पाएगा, वो फोर डिजिट का नंबर होगा। यानी कि यहाँ पर इस प्लेस पर आपको जीरो नहीं प्लेस करना है, यहाँ पर जीरो आपको नहीं डालना है। यहाँ पर आप कौन कौन से नंबर डाल सकते हो, यहाँ पर आप डाल सकते हो वन, यहाँ पर डाल सकते हो टू, यहाँ पर डाल सकते हो थ्री, यहाँ पर डाल सकते हो फोर, वन टू थ्री फोर, यही ये चारों नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल डिजिट्स हैं वो सिर्फ यही हैं 0, 1, 2, 3, 4, इतने ही डिजिट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो इन डिजिट्स में से 0 को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो कितने तरीके से आप इसको लिख सकते हो, इन हाउ मेनी वेज, फोर डिजिट्स हैं तो इस प्लेस को आप फोर वेज से फिल कर सकते हो, इसको आप फिल करोगे फोर वेज से, चार तरीके से आप इसको लिखोगे फोर वेज। ओके, एक नंबर आपने यहाँ पर डाल दिया, अब आपके पास कितने नंबर बचे हैं, अब आपके पास पांच में से चार नंबर बचे हैं। अब ये जो प्लेस है ये, इस प्लेस पर आप जीरो डाल सकते हो क्या, हाँ इस प्लेस पे अगर आप जीरो डालते हो तो ये जो हमारा नंबर होगा ये फाइव डिजिट नंबर ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यानी कि यहाँ पर आप जीरो को डाल सकते हो। तो अब टोटल नंबर है, टोटल डिजिट्स हमारे पास हैं फाइव, उसमें से एक डिजिट हमने यहाँ पर रख दिए, ये फर्स्ट प्लेस पर रख दिया, उसके बाद बच गए फोर डिजिट्स, तो उस फोर को फोर वे से हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो दिस मल्टीप्लाई विद दिस, ओके फोर वे से हमने इसको यहाँ पर रख दिए। उसके बाद कितने नंबर बचे, कितने डिजिट्स बचे हैं, थ्री डिजिट्स बचे हैं हमारे पास, तीन में से इसको तीन वे से फिल करेंगे, उसके बाद बचे हैं टू डिजिट्स, इसको हम दो वे से फिल करेंगे, उसके बाद बचा है वन डिजिट, इसको हम वन वे से फिल करेंगे। सो टोटल नंबर्स कितने बन जाएंगे, फाइव डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, फोर इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू, इट मीन्स
96 नंबर बनेंगे। टोटल कितने नंबर्स बनेंगे? 96 नंबर्स बन जाएंगे। 5 डिजिट के टोटल 96 नंबर्स बनने वाले हैं। अब इन 96 नंबर्स में से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स इनमें से 96 में से इस 96 में से कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 4 से डिवाइड हो। तो 4 से डिवाइड होने के लिए नंबर को क्या होना चाहिए? देखो ये 5 प्लेसेस हैं, जो ये दोनों प्लेस होगा, ये दोनों प्लेस होगा, इन दोनों प्लेस पर जो नंबर आएगा उस नंबर को 4 से डिवाइड होना चाहिए, राइट? तभी ये टोटल नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी का रूल है 4 से, राइट? इसके लिए क्या करना होगा, यहां पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 0 को कंसिडर करना होगा। देखो इस प्लेस पर मैं यहां पर मैं प्लेस का नंबर दे देता हूं, इसको मैं बोलता हूं प्लेस नंबर ए बी सी डी एंड ई। देखो प्लेस नंबर ई, ई पर यदि हम 0 रखते हैं, प्लेस नंबर ई पर यदि हमने रख दिया 0, तो यदि हमने यहां पर 0 रखा है तो कितने तरीके से ये फिल होगा? ये वन वे से फिल होगा, ये वन वे से फिल होगा। उसके बाद 4 से डिवाइड होने के लिए जो हमारा प्लेस नंबर डी है वहां पर कौन सा नंबर होना चाहिए? अगर प्लेस नंबर ई पर जो नंबर होगा वो होगा 0, तो डी पर जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होना चाहिए? यहाँ पर क्या आप 1 को फिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप इस पे 1 रखेंगे तो 1 0 ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्या आप यहाँ पर 2 रख सकते हैं? हाँ, यहाँ पर आप 2 रख सकते हैं, यानी कि जो डी प्लेस है उसमें आप 2 को रख सकते हैं। उसके बाद और 3 को रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। 4 को रख सकते हैं? हाँ, 4 को रख सकते हैं। 4 को जब आप रखेंगे तो 40 यानी कि 40 हो गया। लास्ट के 2 डिजिट हमारे 40 हो जाएंगे। इट मींस ये जो नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो जो हमारा प्लेस नंबर डी है उसमें हम 2 नंबर को फिल कर सकते हैं, या तो 2 या तो 4, यानी कि ये कितने तरीके से फिल होगा? 2 वे से फिल होगा। ई प्लेस 1 वे से फिल हुआ, डी प्लेस 2 वे से फिल होगा। उसके बाद देखो 2 नंबर हमारे बिजी हो गए, एक डी पर चला गया, एक ई पर चला गया। अब हमारे पास बचे हैं 3 नंबर। अब जो 3 नंबर बचे हैं, 3 में से इसको 3 वे से फिल करेंगे, इसको 2 वे से फिल करेंगे, इसको 1 वे से फिल करेंगे। तो कितने नंबर्स बन जाएंगे? ये नंबर बनेगा 12 नंबर हमारे ऐसे बन जाएंगे जिसके यूनिट प्लेस पर होगा 0, राइट? और वो नंबर हमारे 4 से डिविजिबल होगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि यूनिट प्लेस पर 0 ना हो, दूसरा कोई हो यूनिट प्लेस पर। अब हम देखते हैं कि 2 हो तो क्या होगा। यूनिट प्लेस पर 2 को देखते हैं। देखो फाइव प्लेसेस, प्लेस नंबर ए बी सी डी ई। ई प्लेस पर हमने क्या किया है? 4 को पुट किया है। ई प्लेस पर हमने रखा है 4 को, ठीक है? अब ई प्लेस पर हमने 4 को रखा है तो यहां पर अब हमें क्या करना है? 4 को, या फिर पहले 2 को देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम देखेंगे 4 को। यहां पर हमने रखा है 2 को। देखो ई प्लेस पर हमने रखा है 2 को, इसको 4 से डिवाइड होने के लिए डी वाले प्लेस पर क्या क्या होना चाहिए? डी वाले प्लेस पर क्या 0 हो सकता है? नहीं। अगर आप 0 रखोगे तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो डी वाले प्लेस पर क्या आप 1 रख सकते हो? हाँ, यहाँ पर आप 1 रख सकते हो। यहाँ पर क्या 2 रख सकते हो? नहीं, क्योंकि डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है तो 2 यहाँ पर नहीं आएगा। क्या आप यहाँ पर 3 रख सकते हो? तो 3 और 2 ये हो जाएगा 32, 4 से डिविजिबल है यानी कि नंबर डिविजिबल होगा। यहाँ पर आप 3 को रख सकते हो। क्या आप यहाँ पर 4 को रख सकते हो? 42, डिविजिबल नहीं है 4 से, तो आप यहाँ पर 4 को नहीं रख सकते। यानी कि जो डी प्लेस है उसको आप 2 वे से फिल करेंगे, ई जो प्लेस है उसको आप 2 वे सॉरी इसको आप 1 वे से फिल करेंगे, 2 into 1। उसके बाद अब आपके पास कितने नंबर बचे हैं?
कितने डिजिट्स बचे हैं आपके पास? आपके पास बचे हैं 3 डिजिट्स और प्लेस कितने हैं? 3 है। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अब आपके पास 3 डिजिट्स में से एक डिजिट 0 भी है, 0 भी बचा हुआ है। अब उस 0 को हमें ए प्लेस पर नहीं रखना है, 0 को ए प्लेस पर नहीं रखना है, क्योंकि 0 को यदि हम यहाँ पर रखेंगे तो वो हमारा 5 डिजिट का नंबर नहीं होगा, वो 4 डिजिट का हो जाएगा। तो 0 को यहाँ पर नहीं रखना है, तो इस प्लेस पर रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर हमारे पास है। इसको हम कितने तरीके से फिल करेंगे? 2 वेज से। देखो अब हमारे पास ये बचा है, 2 प्लेस बचे हुए हैं, बी और सी। बी और सी बचे हैं, 2 नंबर हमारे पास हैं, तो बी को हम फिल करेंगे 2 वेज से और सी को फिल करेंगे 1 वेज से। कितने नंबर बन जाएगा यहाँ से? कितने बनेंगे? 8 नंबर्स बन जाएंगे। तो 8 ऐसे नंबर्स बनेंगे जो कि 4 से डिविजिबल होने वाला है। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं लास्ट यूनिट प्लेस पर 4 होना चाहिए। ओके, देखो यूनिट प्लेस पर 4 होना चाहिए। ई डी सी बी ए, ये है यूनिट प्लेस। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने 4 को पुट कर दिया। अब यहां पर जब हमने 4 को पुट किया है और ये वाला जो नंबर है यहां पर हम क्या क्या रखेंगे? यहां पर अगर जो हम रखते हैं 0, इस नंबर पर अगर हम 0 रखते हैं तो क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको आपने फिल कर दिया है 1 वेज से, इसको भी यहां पर आपने 0 रख के इसको आपने फिल कर दिया 1 वेज से, राइट। अब देखो 2 नंबर यहां पर बिजी हो गए जिसमें 0 भी है। अब आपके पास 3 प्लेसेस हैं, 3 डिजिट्स हैं, राइट। तो इसको आप फिल करेंगे 3 वेज से, इसको आप फिल करेंगे 2 वेज से, इसको आप फिल करेंगे 1 वेज से। कितने नंबर्स बन जाएंगे? 6 नंबर्स इसमें यहां पर बनने वाले हैं। ओके, अब दूसरा आपको लेना है कि यूनिट डिजिट आपका 4 होना चाहिए और यूनिट से पहले जो हमारा टेंस वाला डिजिट है वहां पर 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ और होगा। तो कितने नंबर्स बनेंगे? देखो ए प्लेस, बी प्लेस, सी, डी और ई। जो ई है यहां पर तो हमने 4 रखा, जो डी है वहां पर हमें 0 नहीं रखना है, राइट। 0 को अब यहां पर नहीं रखना है, तो यहां पर हम क्या क्या रख सकते हैं? क्या यहां पर 1 रख सकते हैं? नहीं, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 14, 4 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रख सकते हैं क्या? हाँ, यहां पर 2 रख सकते हैं, ये हो जाएगा 24, यानी कि 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 रख सकते हैं। क्या यहां पर 3 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्या यहां पर 4 रख सकते हैं? हाँ, 4 रखेंगे तो हो जाएगा 44, यानी कि 4 से डिवाइड होगा। तो डी जो प्लेस है यहां पर हम 2 भी रख सकते हैं या फिर 4 रख सकते हैं, यानी कि इसको हम 2 वेज से लिख सकते हैं और ई प्लेस को हम 1 वेज से फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 प्लेस बचा हुआ है, ए बी और सी। ध्यान देना यहां पर ये जो 3 प्लेस हैं, इस 3 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, उन 3 डिजिट्स में से एक डिजिट हमारा 0 भी है। इससे पहले जो हमने किया था यहां पर, इसमें 0 नहीं था क्योंकि डी प्लेस को हमने पहले ही 0 से फिल कर दिया था, लेकिन इस वाले केस में ये अभी जो हम कर रहे हैं इसमें 0 अभी बाकी है, तो 0 को भी हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। तो क्या ए प्लेस पर 0 को रखेंगे? नहीं रखना है, तो ए प्लेस को हमें 2 वेज से फिल करना है। अब हमारे पास टोटल 2 डिजिट्स हैं और 2 प्लेसेस हैं, इसको हम फिल करेंगे 2 वेज से, इसको फिल करेंगे 1 वेज से। टोटल कितने नंबर बन जाएंगे? 8 नंबर्स बन जाएंगे। देखो अब देखो यहाँ पर 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स आ गए? एक तो ये आ गया 8 नंबर्स, यहाँ पर 12 नंबर्स, 8 नंबर्स और 6 नंबर्स। इतने नंबर्स हैं जो कि 4 से डिवाइड होंगे। तो 4 से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर कितने हैं? 12 प्लस 8 ये हो जाएगा 20, 20 प्लस 8 ये हो जाएगा 28 और 28 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा? वेट 2, 4, 4
वेट 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 वेट, यहां पर फोर नहीं रखना ना, क्योंकि डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। यहां पर तो मैंने फोर रखा था, यहां पर मैंने फोर रखा था, तो फोर को यहां पर नहीं रखना है क्योंकि डिजिट्स हमारे रिपीट नहीं होंगे। क्वेश्चन में गिवन है विदाउट रिपीटेशन, राइट? तो यहां पर फोर नहीं होगा, इसको वन वे से लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहां पर टू आएगा, तो वन वे से ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा टोटल नंबर फोर। ओके, टोटल फोर हो जाएगा। अब काउंट करो कितना होगा, 12 प्लस 8 ये हो जाएगा 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 6 यानी कि 30। 30 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे, और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है 96। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाय 96। प्रोबेबिलिटी 30 डिवाइडेड बाय 96, इट मींस व्हाट, 5 × 6 16 × 6, 5/16। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को हम ऐसे डील करते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रेसिस्टर हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट अक्रॉस इट्स टर्मिनल एंड 120 कूलम ऑफ चार्ज पर मिनट पासेस अ फिक्स्ड पॉइंट यूज सॉरी अंडर दीज कंडीशंस एट व्हाट रेट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट। यहां पर सबसे पहले आपको करंट फाइंड आउट करना होगा। करंट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, 120 कूलम का चार्ज है पर मिनट में पास होता है, यानी कि 60 सेकेंड्स में कितने कूलम चार्ज पास होता है, 120 कूलम चार्ज गिवन है, 120 कूलम, और जो टाइम है वो है 1 मिनट, इट मींस 60 सेकेंड। सो 60 सेकेंड में 120 कूलम का चार्ज पास होता है, इट मींस जो करंट हो जाएगा क्यू अपॉन टी, इट मींस 120 अपॉन 60, दिस इज 2 एम्पियर। यानी कि जो रेसिस्टर है उसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया है, 50 वोल्ट। वी इज इक्वल टू 50 वोल्ट, और जो करंट फ्लो करता है वो है 2 एम्पियर। व्हाट अबाउट द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस आर की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन आई, इट मींस ये हो जाएगा 25 ओम। 25 ओम का ये रेसिस्टर है, राइट? अब इसमें हमें हीट एनर्जी को फाइंड आउट करना है, यानी कि एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। एनर्जी देखो, पर सेकेंड एनर्जी कितना होगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, और टाइम है 1 सेकेंड, पावर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, और इंटू टाइम हमारा है 1 सेकेंड, राइट? सो आई स्क्वायर, आई की वैल्यू है 2, सो 2 स्क्वायर इंटू आर, रेजिस्टेंस है 25, ये हो जाएगा कितना, 100 जूल। 100 जूल की एनर्जी पर सेकेंड ये होगा। ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन में गिवन है 100 जूल पर सेकेंड, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन इंडक्शन टाइप वॉट आवर मीटर, वॉट आवर मीटर मीन्स एनर्जी मीटर, एरर्स ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस एट द रोटर बियरिंग्स एंड इन द रजिस्टर मैकेनिज्म इज मिनिमाइज बाय, इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ शंट मैग्नेट फ्लक्स फाई टू एंड फाई वन स्मॉल। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पर रेशियो गिवन है, ठीक है, फाई टू एंड फाई वन का जो रेशियो है वो स्मॉल नहीं, फाई टू और फाई वन का जो रेशियो है वो लार्ज होना चाहिए। देखो, हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ शंट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई टू और फाई वन लार्ज, नो, ये हो जाएगा रेशियो, यस, हैविंग द रेशियो ऑफ फाई टू एंड फाई वन लार्ज, यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये इवेल्युएट करना है कॉस टी डेल टी माइनस पाई। आपको फंक्शन दिया गया है
कॉस टी इंटू डेल टी माइनस फाइव, दो फंक्शन है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ये जो हमारा इम्पल्स फंक्शन है, ये इम्पल्स फंक्शन कहाँ पर मौजूद है, इम्पल्स फंक्शन एट टी इज इक्वल टू पाई, तो टी इज इक्वल टू पाई पर ये इम्पल्स फंक्शन है, और जब टी इज इक्वल टू टी नॉट इक्वल टू पाई हो तब इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। ओके, टी इज इक्वल टू पाई पर ही सिर्फ यहाँ पर वैल्यू मौजूद होंगी इम्पल्स फंक्शन के लिए, टी नॉट इक्वल टू पाई के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो जब आप कॉस टी में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन आपको जीरो मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ टी इज इक्वल टू पाई पर ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो इम्पल्स फंक्शन है टी इज इक्वल टू पाई पर मौजूद है। तो आपको क्या करना है, टी इज इक्वल टू पाई पुट करना है इसमें, पुट टी इज इक्वल टू पाई। क्या लिखेंगे आप, अब क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कॉस पाई इंटू डेल टी माइनस पाई, ये हो जाएगा राइट। कॉस पाई की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, सो माइनस वन डेल टी माइनस पाई, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन। इट मीन्स आप क्या लिखेंगे, माइनस डेल टी माइनस पाई, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एन एमसी आमीटर, मूविंग कॉइल आमीटर, यानी कि ये हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है ये, आमीटर है, एज अ शंट ऑफ 0.2 ओम, कॉइल सर्किट रेजिस्टेंस है 100 ओम। देखो आमीटर है, मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं आमीटर को, दिस इज आमीटर, जिसका मीटर रेजिस्टेंस, मीटर रेजिस्टेंस इसका गिवन है 100 ओम, और जो शंट रेजिस्टेंस है RSH, शंट रेजिस्टेंस ये है 0.2 ओम राइट, दिस इज आमीटर, होल इज आमीटर। उसके बाद क्या कहा, इंस्ट्रूमेंट कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 5 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस आपने क्या किया है, 5 वोल्ट अप्लाई किया है राइट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिन द मैक्सिमम करंट दैट इंस्ट्रूमेंट कैन हैंडल, मैक्सिमम करंट ये कितना हैंडल करेगा, यानी कि यहाँ जो करंट फ्लो करेगा, दिस करंट आई, आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो एक मीटर करंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं आई एम ये, और एक शंट करंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं आई एस एस, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल करंट आई। आई एस एस कितना होगा, आई एस एस 5 वोल्ट का वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है 0.2, सो 5/0.2 कितना हो जाएगा, 5/0.2 ये हो जाएगा 25, तो ISS हो जाएगा 25 एम्पीयर, शंट रेजिस्टेंस में 25 एम्पीयर का करंट फ्लो करेगा। मीटर करंट कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट है और रेजिस्टेंस हमारा है 100 ओम, सो ये हो जाएगा 0.05 एम्पीयर। टोटल करंट आई ये कितना हो जाएगा, मीटर करंट प्लस आई एस एच, ये हो जाएगा 25.05 एम्पीयर। ओके ऑप्शन देख लीजिए 25.05, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।